नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नवसुत्र और वासुदेव विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 क्लास हिंदी लेक्चर नंबर 17 पाठ 6 जिसका नाम है भरत। विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ एकांकी पाठ है। इसके लेखक है राजलक्ष्मी सिंह। तो इस लेखक की के बारे में थोड़ा मैं बताने जा रही हूँ। 1926 में आगरा में जन्मे राजलक्ष्मी सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगाली और अरबी भाषा भले भांति जानते थे। ये भाषा वो अच्छी तरह से जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिन्न संकल्प संकुलत्म मेघदूत और रघुवंशी के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार मिला। कालिदास ने जो चीज पुस्तक लिखी थी उसका वो संस्कृत में थे और उसका हिंदी में अनुवाद किया तो उसके लिए उसको पुरस्कार भी मिले थे, मतलब कि उसको सम्मानित भी किया गया था। अब ये पाठ भरत है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रही हूँ। कालिदास जी द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञ संकुलम का हिंदी में अनुवाद राजलक्ष्मी सिंह ने किया था। कालिदास द्वारा लिखी गई संकुलता की जो कहानी थी उसका हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ में उसकी नाटक का एक अंश, इस पाठ में वही नाटक जो है उसका एक अंश लिया गया, पूरा ये नाटक नहीं मतलब कि उसका एक भाग इसमें दिया गया है। ऋषि कर्ण के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह सावक के साथ खेल रहा था। आश्रम में रहने वाले दो तपस्विनियां बालक को रोने के रोकने का प्रयास करते हैं। सी सावक जो सावक होता है उसके बच्चे से खेल रहे थे और आश्रम में दो तपस्विनी थी उसको ये रोकने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तुम इसको छोड़ दो। राजा शकुंतला छुप कर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे। राजा दुष्यंत वो छिप कर ये मनोहर एकदम आनंददायक दृश्य था वो देखकर वो आनंदित हो रहे। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हो गए। बालक के प्रति आकर्षण मतलब कि वो बालक के प्रति आकर्षित हो रहे थे कि कैसा बालक है, क्या है, मतलब उसको प्यार हो गया बालक के साथ। उन्होंने रहा नहीं गया उससे, ये देखकर रहा नहीं गया, बालक के पास वो चले गए। वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगे। वे सोचने लगे काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दुष्यंत राजा उस बालक को प्यार करते सोचने लगे मन में कि काश ये बालक मेरा होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का है। दोनों तपस्विनी बातचीत कर रहे थे तब दुष्यंत राजा को पता चल गया कि ये बालक मेरा ही है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। ये जानकर दुष्यंत राजा खुशी से झूम उठे। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें पात्र दिए गए हैं, पात्र के नाम बताने जा रही हूँ। बालक, बालक का नाम क्या है तो भरत। तपस्विनी पहली, तपस्विनी दूसरी, राजा कौन है तो दुष्यंत। ये चार पात्रों के यहाँ पे ये नाटक बताई। तो मैं एक एक पात्र के नाम बोल दूंगी और उसके बारे में आपको समझाऊंगी। तो पाठ की शुरुआत आज हम करेंगे। दुष्यंत राजा एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। एक बालक जो एक लड़का था वो सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लेके आता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। दो तपस्विनियां उसके साथ ही उसे रोक रही है कि तुम इसे ऐसा मत करो। राजा दुष्यंत पेड़ के ओट से उन्हें देख रहे थे। राजा दुष्यंत जो थे वो पेड़ की ओट से मतलब के पीछे छुप कर वो पूरा दृश्य देख रहे थे। बालक क्या कर रहा है, अरे सी तू अपना मुंह खोल मैं तेरे दांत देखूंगा। वो बालक इतना निडर था वो बोलता है अरे सी तू अपना मुंह खोल मैं तेरा दांत देखूंगा। तपस्विनी पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है। पहली तपस्विनी कहते ए जीती हठीले मतलब कि जीती बालक तू इन पशुओं को क्यों सताता है जो वन में रहते। हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तपस्विनी कहती है ये पशुओं के बच्चों को अपने बाल बच्चों के समान
करते हैं, तेरा साहस बढ़ता ही जाता है, तेरा साहस मतलब कि तेरी हिम्मत बढ़ती ही जाती है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदम रखा है, सो ठीक है, तेरा नाम ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन भरतनाथ था, पर उसका नाम सर्वदमन ही रखा है, सो रखा है, वो अच्छा है। कोई भी काम सर्वदमन का मतलब कि कोई भी काम करे वो निडरता से बिना डर के काम करे। दुष्यंत राजा उनकी बात सुनकर स्वयं से, दुष्यंत राजा और उन दोनों की बात सुनकर, उन बालक की बात सुनकर खुद से यहाँ क्या कर रहे हैं कि मेरा स्नेह इन बालक की ओर उमड़ जाए। यहाँ यह क्या कर रहे हैं, दुष्यंत राजा खुद उस बालक के स्नेह के प्रति वो आकर्षित होने लगे। दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बालक को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी, जो तू इस बालक को नहीं छोड़ेगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी, मतलब कोई तुझे मारेगी। बालक कहता है मुस्कुरा कर, ठीक है सिंही का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चीखा कर कोई बात नहीं, मुंह चीखा कर तो बालक कहता है दूसरी तपस्वी के सिंही का मुझे वैसे ही डर रहता है। दुष्यंत राजा आश्चर्य से, वो आश्चर्यचकित हो गए, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बोलने लगे कि ये बालक किसी तेजस्वी पुत्र तेजस्वी राजा का यह तेजस्वी व्यक्ति का पुत्र होता है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, इसका मुख है अग्नि के समान दमक रहा है, मतलब कि अग्नि की ज्वाला जैसे होती है चमकदार, वैसा ही इसका मुख चमकदार है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ का आगे का पाठ जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। नमस्ते।